आज है 29th of December और दो दिन बाद 2023 को बाय बाय बोलेंगे। उसी के लिए मतलब ये न्यू ईयर राइड मैंने एक प्लान किया है। आज मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी से चला पास तक, एक मेमोरी रह जाएगा। मतलब लास्ट में 2023 के लास्ट में ऐसा एक राइड किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारा सामान मैं लेके जाऊंगा और ये सब मैं पहनने वाला हूँ। और ये वाला बैग लेके जा रहा हूँ मैं इस बार, छोटा वाला, क्योंकि बड़ा वाला बैग नहीं चाहिए क्योंकि दो ही दिन का ट्रिप है। इसमें वॉलेट वगैरह फोन वगैरह रखने वाला हूँ मैं। और ये हो गया रेनकोट। एक दोस्त से टैंक बैग लेने वाला हूँ क्योंकि मेरा खुद का टैंक बैग नहीं है। टैंक बैग में ये सब सामान जाएगा। और ये देखिए हेलमेट में गोप्रो माउंट हो चुका है। ये हो गया हम लोग का बंजी कॉर्ड। यहाँ पे मेरा जैकेट और हाइड्रेशन बैग है। इन सब चीजों को बाइक में अभी लोड करना है और उसके बाद निकल जाना है। अभी 7 बज चुका है ऑलरेडी। ज्यादा स्टॉप में लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वो रूट से बहुत बार जा चुका हूँ, तो मुझे पता है दो दिन का ही ट्रिप करने वाला हूँ। हर बार की तरह ये एक लिस्ट बनाया था तो सब कुछ मैंने ले लिया है। यहाँ पे गैजेट वगैरह है। मिलते हैं आप लोगों से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। तो भाई लोग मैं निकल चुका हूँ अभी घर से। अभी डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग टैंक बैग लेने के लिए। जिससे मैं टैंक बैग लेने वाला हूँ वो जिम में है और फ्यूल अप भी करना है। तो वो वाला जो जिम है उसके पास में एक पेट्रोल पंप भी है, वहाँ पे मैं फ्यूल अप कर लूंगा। उसके बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ, पहले हम लोग टैंक बैग ले लेते हैं। देख सकते हैं पूरा टैंक बैग लोड हो चुका है। तो वो रहा ऊपर जिम, थोड़ी देर आगे जाके एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैं फ्यूल अप करने वाला हूँ। उसके बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ, कंटिन्यूअस 100 किलोमीटर जैसा मैं चलाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी दिरांग पहुंचना है। अगर जल्दी पहुंच गया तो मैं डायरेक्ट कंटिन्यू करूंगा सेलापास तक। अभी फाइनली फिर से शुरू हो रहा है हर हर महादेव। 7:10 में मेरा टैंक फुल हो गया है पूरा, क्योंकि पहले से ही थोड़ा बहुत पेट्रोल था। मैं हाईवे से नहीं जाने वाला हूँ, अंदर वाले एक रास्ते से जाने वाला हूँ। फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से मैं आया था जिम तक, अंदर अंदर होके फिर आगे जाके हाईवे में निकलेंगे। अरे मुर्गी, अरे अरे। तो ये वाला एक छोटा सा गांव है यहाँ पे। इस गांव का खासियत यही है, गर्मी हो या ठंडी हो यहाँ पे हमेशा वेदर ठंडा ही रहता है। ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट में गारो लोग रहते हैं। गारो ट्राइब ट्राइबल विलेज है ये पूरा। हाल ही में क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया था यहाँ पे, वो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग भी आए थे लेकिन मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाया। ये देखिए ये क्रिसमस का ये चर्च है। और तो अभी ये वाला रास्ता से हम लोग धीरे धीरे करके आगे निकलेंगे, आगे जाके मेन रोड में निकलेंगे हम लोग। अभी मैं थोड़ी धीमी गति से चल रहा हूँ क्योंकि बाइक गर्म भी नहीं हुआ है अभी। तो ये एक रिजोर्ट है यहाँ पे भी आ सकते हैं आप लोग। ये आगे हम लोग मेन रोड पे वो वाला रास्ता, और डायरेक्ट वहाँ से ये वाला रास्ता कनेक्ट होता है। अभी ये रोड से हम लोग को चलना है थोड़ी दूर, आगे जाके फिर से हाईवे में कनेक्ट हो जाएंगे। बेजरा बोल के जगह है, तो वो बेजरा में जाके हम लोग नेशनल हाईवे में निकल जाएंगे। देखते रहिए वीडियो बहुत अच्छे से। तो वो सामने आप लोग को दिख रहा होगा हाईवे, वो ही नेशनल हाईवे है। यही रास्ता पकड़ना है अभी, ऑलमोस्ट अभी 100 किलोमीटर जैसा चलाना है यहाँ से। जो अरुणाचल का चेक पोस्ट है वहाँ तक निकलने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसीलिए बीच में अभी कवर करना पड़ेगा टाइम, तो इसीलिए थोड़ा भगाएंगे अभी। तो आप लोग देखते रहिए व्लॉग। ये वाला जो हाईवे है ना, ये वाला हाईवे पे हम लोग ज्यादा भगा नहीं पाते हैं। गूगल दिखा रहा है 4 घंटा, तो यहाँ पे 6 घंटा लग जाता है। अभी हम लोग मंगोलडे पहुँचने वाले हैं आगे, और शायद 10 से 15 किलोमीटर होगा। मेरा प्लान था 6 बजे को निकलने का, लेकिन मैं 6 बजे को निकल नहीं पाया। कम से कम मैं 1.5 घंटा लेट निकला हूँ हर बार की तरह। देखिए आप लोग रास्ता का कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही खराब है। मंगोलडोई और 11 किलोमीटर, मंगोलडोई को बाईपास करके आगे निकल चुके हैं। मुझे अभी बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेता हूँ यहाँ पे। रोड के साइड में अगर मिलेगा तभी मैं रुकने वाला हूँ। तो यहाँ से और रोहता तक 50 किलोमीटर है, बहुत कम टाइम में काफी डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने को, जो भी मिलता है थोड़ा बहुत खा के मैं आगे निकलने वाला हूँ पूरा। বাইদেউ খাব কাৰণে কি হ'ব, টাইম লাগিব নেকি? আৰু এইটো কি পিঠা নেকি? তেতিয়া আৰু ৰুটি নালাগে দিয়ক, পিঠাকে দিয়ক, পিঠা আৰু খা দিয়ক। চাই আৰু কুচ এছে নাস্তা কৰ দিয়া হয়। ইয়াতে আৰু 45 কিলোমিটাৰ বচা হোৱা ৰোহতা তক, যাতে মই আসাম কা ৰোড ছোড়নে বালা হওঁ। আভি কহি পে নাই ৰুকুঙ্গা, মই ডাইৰেক্ট যাওঁগা ওহাঁ তক। একবাৰ মই চেক পোষ্ট ক্ৰছ কৰ লওঁ, উচকে বাদ আচ্ছে সে ব্লগ কৰেগে। I'm not afraid to show.
जा चुका हूँ। न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं बहुत लोग। तो मेरा पास नहीं बना था, यहाँ पे बहुत पहले पहुँच गया था मैं। जहाँ पे मैं आज रुकने वाला हूँ वहाँ पे फोन करके मैंने उन लोग को भेजने के लिए बोला तो भेज दिया। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और ILP चेक होता है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी टाइम हुआ है 11:15, यहाँ से तो ऑलमोस्ट 4-5 घंटा लग ही जाएगा डिरांग तक। चल रहे, अभी हम लोग ऑफिशियली अरुणाचल के अंदर बाइक चला रहे हैं। अभी एकदम अच्छा रास्ता मिलने वाला है तो इसीलिए मैं थोड़ा भगाऊंगा। अभी मुझे तो लग रहा है कि मैं कवर कर लूंगा आराम से। ये वाला रूट एकदम बहुत अच्छे से मैं एकदम पहचानता हूँ और सेलापास भी आज ही हम लोग जा सकेंगे। ये देखिए भाई, फॉर द फोर्थ टाइम आई लव कर्व। तो भाई लोग ये वाला जगह आप देख के मतलब पहचान सकेंगे शायद। हर बार मैं यहाँ पे रुकता हूँ खाने के लिए लेकिन इस बार ये बंद है। थोड़ा मैगी वगैरह कुछ खाते हैं क्योंकि मुझे पता है ये वाला जो रेस्टोरेंट है इसके बाद बहुत दूर तक कुछ नहीं है। मतलब इसके आगे मतलब जाके डायरेक्ट शेरगांव में मिलता है शायद ना। तो यहाँ से शेरगांव बहुत दूर है, 50-55 ऐसा किलोमीटर होगा। पारा में 50 किलोमीटर मतलब बहुत है। चेन मैंने लूप कर लिया था उडालगुड़ी में, आप लोग देख सकते हैं चेन लूप करने की वजह से हुआ है, चीटे गिर रहे उधर से। अभी अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा गर्मी है लेकिन पता नहीं आगे जाके ठंड मिलेगी कि नहीं। जगह देख लीजिए आप लोग एक बार। यहाँ पे बैठ के हम लोग अभी खाने वाले हैं मैगी। मैगी खाएंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। मैगी आ गया है, मैगी ठंडी ठंडी हवा, गरम गरम मैगी। यहाँ से शेरगांव 50-55 किलोमीटर दूर है। शेरगांव से मैं जहाँ पे आज रुकने वाला हूँ वो कम से कम 70 या 75 या ऐसा कुछ है। तो ऑलमोस्ट मेरा और 130-140 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत खा लिया है मैगी वैगी तो अभी पूरा भगाएंगे। तो जल्दी से जल्दी पहुँचना है मुझे क्योंकि सेलापास भी जाना है आज। और इस बार सोलो आने का एक ही रीज़न है, बहुत दिन से सोलो ट्रिप किया नहीं था मैंने। साल का आखिरी दिन चल रहा है, सोचा एक सोलो ट्रिप कर लेते हैं। ठीक है, अभी वीडियो देखते रहिए कैसा देते फिर निकलते हैं। अभी 12:30 हुआ है टाइम, तो अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट जाके शेरगांव में रुकने वाला हूँ। बाकी सब बढ़िया है, अभी मीठा मीठा ठंड लगने लगा है थोड़ा थोड़ा। ये जगह का नाम है 1300 माइल, देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है 1607 फीट। शेरगांव तक हम लोग को चढ़ना है, उसके बाद शेरगांव पहुँचने से पहले हम लोग थोड़ा नीचे उतरेंगे क्योंकि शेरगांव वैली है। और उसके बाद फिर से चढ़ना है हम लोग को मतलब दिरांग ये सब जाने के लिए। की नाम दा AS बॉयस। हाँ हाँ दा AS बॉयस। अच्छा नेटवर्क तो नहीं नॉइज़ दिया। मुन दा AS दा AS AS बॉयस। अच्छा तो भाई लोग देखिए ये लोग साइकिल लेके आए हैं, तो घूम के आ गया। हाँ औरंग से आए ये लोग। तो मैं तो इस तरफ जा रहा था, अचानक दिखा आगे चला गया था मैं। फिर सोचा कि घुमा के बाइक घुमा के फिर से सोचा कि बात कर लेते थोड़ा। आज कहाँ से? आज खलकटंग से कार दिरांग से आया था खलकटंग तक। तो मैं तो आज दिरांग तक जा रहा हूँ गाड़ी। पहले भी बहुत लोग को देखा साइकिल लेके जाते हुए लेकिन ये लोग आसाम से आए हैं। हम लोग का आसामी गमोसा देखते मैं रुक गया यहाँ पे। तो मिल के अच्छा लगा। आपका यूट्यूब चैनल? मेरा निरुपम बी। तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनका यूट्यूब चैनल का नाम मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ऐसी चीज़ें मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। हम बाइक लेके जाते हैं उसी में हम लोग का मतलब हालत ख़राब हो जाता है। ये लोग तो साइकिल लेके गए हैं, तवांग भी जाके आए हैं। मैं उन लोगों को क्रॉस करके आगे निकल गया था, गोप्रो ऑफ था। फिर यहाँ से मैंने फिर से बाइक घुमाया, सोचा कि इन लोग से मिल लेते हैं ना। नॉर्मल चीज़ें सब लोग करते हैं, जो सब लोग करते हैं ना वो करने में मज़ा नहीं है, इसीलिए थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए। तो अभी फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग का जर्नी। तो भाई लोग मैं अभी खलकटंग में हूँ, इससे आगे नेटवर्क नहीं मिलता है तो घर में भी फ़ोन
कर नहीं पाया था, तो यहाँ पे मैं अभी रुक के मतलब घर पे भी फोन कर दिया। यहाँ से रूपा दिखा रहा है 60 किलोमीटर, 60 नहीं अभी कम होगा क्योंकि बहुत पहले देखा था 60 किलोमीटर शायद, और 30-40 किलोमीटर है रूपा तक। तो अभी लगभग टाइम हुआ है 1:15। यहाँ पे बाइक खड़ा किया है मैंने, वहाँ पे आप लोग ये फ्लैग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब फ्लैग। नीचे एक मार्केट जैसा है छोटा सा। अभी फोन ऑन कर लिया है घर पे, तो यहाँ से मैं फिर से मतलब बिना रुके मैं जाऊंगा शेरगांव में, रुकने का प्लान है, चाय वाय पियेंगे। मुझे तो लग रहा है मैं शेलापास आज ही जा पाऊंगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है बाद में। आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, पता लगेगा आप लोग को। आ गए हम लोग शेरगांव, यही है शेरगांव, यहाँ पे लिखा हुआ है शेरगांव। बहुत दिन के बाद ये व्यू देख के बहुत मजा आ रहा है। लास्ट टाइम मैं आया था मार्च में, तो जो रेस्टोरेंट के बारे में बोल रहा था वो थोड़ा आगे है। शेरगांव वैली है, चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं पहाड़ है, शेरगांव थोड़ा प्लेन एरिया है। ये आ गया हम लोग का रेस्टोरेंट लेमन टी। तो मैंने ऑर्डर किया था थुप्पा, बाहर का व्यू ये, यहाँ पे खा के आगे निकलना है। 75 जैसा होगा किलोमीटर दिरांग तक, तो देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं। ठीक है चलते हैं, बाय बाय। अंधेरा हो गया है भाई लोग, शाम का टाइम है अभी। तो अभी हम लोग शेरगांव को बाय बाय बोलते हैं, शेरगांव के आगे जाके हम लोग को जी गांव मिलेगा, उसके बाद हम लोग को मिलेगा रूपा। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। पहाड़ देख सकते हैं भाई लोग, आप लोग कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है भाई। यह कलर थोड़ा अलग है, रेडिश कलर है, लेकिन दूसरा साइड में ग्रीन कलर है, यहाँ पे थोड़ा रेडिश कलर है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ आगे जाके एक डाइवर्जन मिलेगा, वहाँ से हम लोग को राइट लेना है रूपा के लिए। तो अभी हम लोग को लेना है राइट, ये वाला रास्ता। यही है रूपा टाउन। तो शेरगांव से लेके रूपा के बीच में और कहीं पे पेट्रोल पंप नहीं है। अगर कभी आप लोग बाइक लेके या गाड़ी लेके आते हो और गाड़ी में अगर पेट्रोल कम है तो शेरगांव में ही आप लोग रिफिल कर लीजिए, नहीं तो बीच में अगर तेल ख़त्म हो गया तो आपको कहीं पे मिलेगा नहीं और पेट्रोल पंप। पैर बहुत ठंडा हो गया भाई लोग, पूरा ठंडा हो गया पैर। ये मेन टाउन है रूपा का, तो यहाँ पे भी होटल वगैरह मिल जाता है भाई लोग। अभी हम लोग बोमदिला के लिए चढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। वो ऊपर जो आप लोग लाइट देख पा रहे हो ना, वही है बोमदिला। तो वहाँ तक हम लोग को जाना है, उसके बाद फिर नीचे उतरना है दिरांग के लिए, बोमदिला और 12 किलोमीटर। भाई लोग मैं अभी रूम पे पहुंच गया, बोमदिला बाईपास में कम से कम 5:45 ऐसा टाइम पे पहुंचा। हाथ पूरा एकदम ठंडा हो गया था, गोप्रो पूरा चार्ज खत्म हो गया था, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चार्ज पे लगाया। वहाँ से स्टार्ट किया मैंने 6 बजे को, तो अभी 7:20 जैसा हुआ है शायद, और मैं होम स्टे पहुँच गया। ये है मेरा रूम, छोटा सा रूम है। अभी थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेश होके थोड़ा बैठेंगे हाथ सेकने के लिए, और उसके बाद खाना वाना खा के सो जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि पूरा थक गए हैं और आज बहुत लेट हो गया पहुंचते पहुंचते। आप लोगों को अभी पता ही है 7 बज चुका है, अभी अगर मैं सेला पास जाता हूँ तो हालत ख़राब हो जाएगा मेरा, तो इसीलिए अभी
का प्लान यही है। अभी यहाँ पे खाना वाना खा के सो जाएंगे। ज्यादा स्टॉप नहीं लिया मैंने आज, शायद मैंने 3 स्टॉप लिया है। पहला स्टॉप लिया था जहाँ पे मैं मैगी खाया था, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप लिया था शेरगांव में, चाय पिया था और थुप्पा खाया था, वहाँ पे रुका था। उसके बाद डायरी आके यहाँ पे रुका हूँ मैं। पीठ पूरा एकदम अकड़ गया है, कल का प्लान कल देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाना वाना खा लिया मैंने, वेज ही खाया है क्योंकि दिन में भी चिकन खाया था, सादा दाल भात सब्जी और ऑमलेट खाया है। वेज तो नहीं खाया है लेकिन हल्का फुल्का। कल सुबह उठ के जाना है, मेरा प्लान है 5 बजे को उठ के 6 बजे को निकलने का। अगर हो पाएगा तो निकलेंगे 5 बजे। बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर। स्टोरी वगैरह तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने फॉलो करके रखा है इंस्टाग्राम पे 10:30 बज चुका है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज। मेरे चैनल पे आप लोग अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा। इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, कल एक नया एपिसोड शुरू होगा। कल्डन होमस्टे से मैं शुरू करने वाला हूँ और मैं जाऊँगा सेलापास कल सुबह को। तो ये सब कुछ आप लोगों को कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।